इतना ज्यादा क्राउड, ये क्या है, ये फ्री में मिलते हैं क्या इधर? कम से कम नहीं तो 50 लोग खड़े हुए हैं भैया, कोई सांस लेने का टाइम नहीं है अभी। एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो आलस में हो यहाँ पर। भाई 30 रुपए का टोकन हमने ले लिया, लेकिन कहाँ खड़े हुए, किसको दें? भाई एक बार छोले देख लो यार, क्या हाथ चल रहे हैं भैया के, तेज तेज यहाँ पे। 30 रुपए में आप जितना चाहो उतना खाओ। बाबूजी बाबूजी सबको मिलेगा। सबको मिलेगा। अच्छा कब मिलेगा? अभी मिलेगा। हेलो फूडीज, वेलकम टू आवर चैनल फूडीज एंड। दोस्तों हम आ चुके कानपुर के एक बहुत ही फेमस छोले भटूरे वाले के पास। निखिल भाई हमें लाए हैं, जो कि हमारे साथ मतलब भाई जी की शक्ल बिल्कुल विवेक बिंद्रा की तरह है। आज मुझे समझ आया थोड़ा सा ना, और आपको पता भी बहुत कुछ है जी जी। अच्छा बताइए आज हम कहाँ लाए हैं भाई? हम आपको लाए GT रोड पे, छोले भटूरे वाले। अच्छा जी, दुकान का नाम सम्राट छोले भटूरे, यहाँ पे जो भैया मिलते हैं वो उनका नाम पिंटू है। एक्चुअली आज वो ऑफ, आज वो आए नहीं, यहाँ के मेन मालिक हैं। पर यार इतना ज़्यादा क्राउड, ये क्या है, ये फ्री में मिलते हैं क्या इधर? नहीं नहीं भैया, यहाँ का टेस्ट इतना बढ़िया है ना कि आपको प्राइस वाइज टेस्ट वाइज बहुत बढ़िया है। अच्छा दोस्तों, क्राउड आप देख ही सकते हैं। बाकी चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तंदूर भी लगा हुआ है, भटूरे भी हैं। यहाँ पे एक नान थाली लेते हैं जी, एक छोले भटूरे की प्लेट लेते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं। वीडियो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें, चलिए आ जाइए। और यहाँ भटूरे की मेकिंग चल रही है, आप देख सकते हैं भाई। ये सादे रहते हैं पनीर वाले रहते हैं? हाँ सिंपल रहते हैं, सादे पनीर का भी रहता है, आलू का रहता है, मिस्सी रोटी रहती है, खीर है, चावल है। सही है, मतलब भटूरे में भी वेराइटी है यहाँ पे। बढ़िया, तो एक वो देखिए वहाँ सामने बन रहे हैं भटूरे अपने। यहाँ पे भाई गर्मा गर्म बिल्कुल, भीड़ देखो यार, क्राउड इतना ज़्यादा कि मैं हैरान हूँ सच में। छोले भटूरे के लिए इतनी दीवानगी इस दुकान के लिए, टेस्ट करेंगे तो आप खुद दीवाने हो जाएंगे। अच्छा जी। और भाई यहाँ पे छोले चावल की प्लेटें लग रही है, छोले भटूरे की प्लेटें लग रही है, बहुत फास्ट काम चल रहा है यहाँ पे। कम से कम नहीं तो 50 लोग खड़े हुए हैं। उस साइड चलते हैं और आपको एक बार छोले दिखाते हैं। सो गाइस, कई बार आपने भी एक्सपीरियंस करा होगा कि हम कहीं अलग जगह जाते हैं, लेकिन कोई सर्टिन फ्रेग्रेंस होती है जो कि हमें जानी पहचानी होती है, और हम उस फ्रेग्रेंस को स्मेल करके पास्ट मेमोरीज़ को याद करने लग जाते हैं। लाइक कोई कॉफ़ी डेट हो गई, या फिर कहीं बढ़िया मेमोरीज हमने बनाई हो। मतलब कि एक फ्रेग्रेंस कितना ट्रिगर कर सकती है हमारी इमोशंस को। जैसे नेचर की भी अलग फ्रेग्रेंस होती है, कॉफ़ी की फ्रेग्रेंस होती है जो कि हमें पास्ट मेमोरीज में डुबा देती है। एंड दैट्स हाउ द मामा अर्थ यू दे परफॉर्म वर्क्स। सो मामा अर्थ के सिग्नेचर सेंट्स को एक्सपीरियंस करिए और अपनी लवेबल मेमोरीज दोबारा लाइए अपने पास। एंड द फर्स्ट इज द वाइट मस्क। इट इज़ एन एस्केप टू अ पिक्चरेस्क वैली विद एवरी स्प्रे फ्रेश लिली ऑफ द वैली एंड सेंशुअल मस्क अवेकन्स यू एंड लीव्स अ लाइट टच ऑफ लेवेंडर एंड मस्क। इफ़ यू वॉन्ट टू गिव अप फॉर द डे, तो वाइट मस्क आपके लिए, सो दैट आप अपने गेम में हो और आपकी फ्रेग्रेंस अपनी जगह हो। एंड द सेकेंड इज फ्लोरल। नाम से ही पता चल रहा है कि भाई फ्लोरल में हमें बहुत प्यारी खुशबू आने वाली है। इफ़ यू लव फ्लावर्स, तो फ्लोरल है आपके लिए बिल्कुल। सिट्रसी क्लीन नोट्स विद एप्पल एंड लेवेंडर आर अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ फ्लोरल एंड फ्रूटी नोट्स टू सेलिब्रेट दोज लिटिल मोमेंट्स विद योर स्पेशल वन। एंड द थर्ड इज आउट। इट इज़ एन एस्केप टू अरब। इट्स वूडी स्मेल इज रिच विद न्यूएंसेस रेंजिंग फ्रॉम लेदर, अर्दी एंड स्वीट टू स्पाइसी फ्रेग्रेंस, जो कि आपको क्राउड से स्टैंड आउट करेगी। एंड गाइस, आप इनको रेगुलरली यूज़ कर सकते हो बिकॉज ये मेड सेफ सर्टिफाइड है एंड 100% वेगन है। इनकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल ही नेचुरल है, और सबसे बढ़िया बात भाई बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग है, 12 आवर्स तक इनकी फ्रेग्रेंस रहती है। दी सेंट्स इवन कम इन अ कॉम्पैक्ट ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग, जिसके अंदर हमें 5 ट्रैवल साइज परफ्यूम्स मिलते हैं, वाइट मस्क, फ्लोरल, आउट, एक्वा एंड फर्स्ट रेन। सो आपको ज़रूर इनकी डिस्कवरी किट ट्राई करनी चाहिए अगर आप रेगुलरली नई नई फ्रेग्रेंस चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। एंड गाइस, इसके अलावा हम सब जानते हैं कि मामा अर्थ का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, इनका प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, जिसके तहत आप जब भी इनसे कुछ ऑर्डर करते हैं इनकी वेबसाइट या इनके ऐप से, तो वो आपके ऑर्डर को लिंक कर देगा एक पेड़ के साथ जो कि प्लांट करते हैं। एंड 2025 तक इनका एम है कि ये 1 मिलियन ट्री प्लांट कर सके। एंड मामा अर्थ ने लॉन्च करा है अपना गुडनेस इनसाइडर प्रोग्राम, जो कि एक लॉयल्टी प्रोग्राम है सबके लिए, जिसमें आपको फ्री गिफ्ट्स और फ्री शिपिंग मिलेगी अपने ऑर्डर के साथ, साथ में एक्सक्लूसिव सेल और ऑफर्स का भी फायदा मिलेगा। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वैसे तो मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स बड़ी बड़ी वेबसाइट्स लाइक फ्लिपकार्ट, नायका, अमेजोन पे अवेलेबल हैं, बट मैं कहूँगा कि आप इनकी ऐप से या फिर इनकी वेबसाइट से ही परचेजिंग करिएगा, सो दैट प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव वर्क करे और आपको अर्ली एक्सेस मिले सेल्स और ऑफर्स का। तो भाई वेट किस बात का, जल्दी से जाइए प्रोडक्ट्स को चेकआउट करिए, कमाल के परफ्यूम है और आपको
क्राउड से बिल्कुल स्टैंड आउट कर देंगे, इतने बढ़िया। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो का मजा लेते हैं। एक बार यहाँ के चने आप देख लीजिए, छोले। यहाँ पे भैया का हाथ रुक नहीं रहा है भैया। आप लोगों की मेहरबानी है। भैया को सांस लेने का टाइम नहीं है अभी, फास्ट फास्ट काम चल जा रहा है। छोले, चटनी, प्याज, टोकन जमा कर रहे हैं और डायरेक्ट छोले डाल रहे हैं बस। बहुत बढ़िया भैया, कितने टाइम हो गया भैया चलाते हुए काम में? किससे बात कर रहे हैं आप? सारे इतने फास्ट हैं भैया, आपके भी हाथ चले जा रहे थे। ये देखो भाई, गर्मा गर्म छोले, ऊपर से छोले का रेसा। यहाँ बहुत मशहूर है मनीष भाई, यहाँ पे तो डिस्टर्ब करने वाली बात है। यहाँ एक बार टेस्ट करते जल्दी। ये देखो भाई, छोले भटूरे ही नहीं, भर भर के तंदूरी रोटियाँ भी बनाई जा रही है, नान भी बनाए जा रहे हैं। अंकल जी, नान की थाली भी है क्या यहाँ पे? नान थाली भी है, आलू की भी है। सब्जियाँ कहाँ रखी हैं? सब्जियाँ कहाँ पर है? सब्जियाँ वहीं पर रखी है। यहाँ नान छोले साथ, कुलचा जो होता है केवल छोले साथ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, पनीर पनीर की सब्जी? पनीर वो सब नहीं, ये वो चूर चूर नान होते हैं, केवल नान है। हैं जी जी, मतलब सिर्फ छोले की सब्जी यहाँ पे? जी, ये नान सिंपल नान है, एक के नान में आलू की फिलिंग होगी, एक में पनीर की फिलिंग होगी, मिस्सी रोटी मिलेगी आपको, सब छोले के साथ बढ़िया लगेगा। क्या बात है यार, सही है। मतलब रनिंग पे है, रोज भीड़ मिलेगी यहाँ पे। नान आप देखेंगे तो आपको आलू का भी मिल जाएगा, पनीर का भी मिलेगा। बहुत फास्ट काम है यार, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो आलस में हो यहाँ पर। नहीं 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 नहीं, ये बहुत बढ़िया है, यहाँ का स्टाफ भी बहुत बढ़िया है, इन्हीं लोग के चक्कर में इतना इनका आज चल भी रहा है बढ़िया। हाँ, ये हाथ कंटिन्यूस चलते ही रहते, बंद होते ही नहीं। सच में जब दुकान चालू हुई हाथ चलना स्टार्ट, जी जी जी। जब बंद होगी तभी सब कुछ। लंच टाइम इस टाइम हम लोग लंच टाइम में क्या बहुत भीड़ होती है। आपने राजकुमार के यहाँ देखा होगा, वो शॉप में रख के उसने इतनी भीड़ रखी, इन्होंने केवल एक कार्ट लगाया हुआ, उसमें इतनी भीड़। यहाँ पे आलू नान बनेंगे अपने? हाँ ठीक है। मिस्सी रोटी वगैरह भी रखते हो? मिस्सी रोटी भी है? अरे बढ़िया यार। कुलचा है? कुलचा भी है? हाँ, पनीर कुलचा है। बढ़िया। ये देखिए आलू की स्टफिंग भरते हुए। मतलब आप लोग देख लीजिए, सवा आठ बजे से यहाँ लग जाता है कार्ड और शाम के चार बजे तक ऐसे ही हाथ चलते हैं। अच्छा, क्या बात। चलिए छोले भटूरे की प्लेट लगवाते हैं अपनी। भाई 30 रुपये का टोकन हमने ले लिया, लेकिन कहाँ खड़े हुए, किसको दें? इतना क्राउड इतना ज़्यादा है यहाँ पे, मुझे लग रहा है आधा घंटा तो खड़े होने में लग जाएगा। जी जी बिल्कुल, अगर जल्दी मिल जाए तो आपका सौभाग्य, आपको जल्दी मिल गया। भैया कितना टाइम लगेगा? बाबूजी सबको मिलेगा। सबको मिलेगा? अच्छा, कब मिलेगा? अभी मिलेगा, तुरंत। ठीक है भाई, को 2 घंटे। ये नहीं खुला, साइड वाला खुल गया। पर खुलेगा? अच्छा, क्या बात है, बढ़िया। फुले फुले भटूरे आपके मिल रहे हैं। तो भाई भटूरा की प्लेट आ चुकी है हमारी, सिंगल भटूरा। अच्छा, एक और आ गया। ठीक है, दे ये किसी और का? ठीक है, अभी एक ही दिया, कह रहा आप इतने ये खाओ, उसके बाद हम खाते हैं। आइए निकल भाई, आप ट्राई करिए। पतले से भटूरे हैं, बिल्कुल सिंपल सादे भटूरे रहते हैं यहाँ पे। पनीर वाले भी रहते हैं? नहीं, पनीर में कुलचा और मिर्ची मिलेगी। अच्छा, अंकल कंफ्यूज हो गए। हाँ आइए। ये तो कमाल लग रहे हैं यार, काले चने हैं जी जी, वो वाले बढ़िया लग रहे हैं यार, बिल्कुल बहुत मज़ेदार। रायता भी आप डाल सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है, यहाँ पे जितना लेना उतना लो। वैसे चाहें तो लस्सी भी बेच सकते हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी रायता फ्री में दे रहे हैं। सर, मिल गया? आ गया सर, आ गया। तो भाई जो स्पाइसीनेस है ना, बिल्कुल परफेक्ट दिल्ली स्टाइल से थोड़े अलग है, थोड़े से लिक्विड रेसे वाले ज़्यादा है, लेकिन स्वाद एक नंबर लग रहा है यार, कमाल की जगह लगा। आपको ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए, कानपुर के बेस्ट छोले भटूरे में से एक है, मुझे राजकुमार से ज़्यादा बढ़िया लगे। हालांकि जो करारापन है ना,
वो दिल्ली की तरह नहीं है, हाँ थोड़े सॉफ्ट भटूरे चलते हैं जी, लेकिन उनका भी अलग स्वाद है, बढ़िया वाला। हाँ मसालेदार रहा था, बढ़िया, तो डेफिनेटली ट्राई करें। अब एक इनके नान थाली लेते हैं, वो भी आपको टेस्ट करके बताते हैं। आइए तो चलिए भाई, भटूरे तो एक नंबर दें, अब इनके नान ट्राई करते हैं। दो आलू के नान लिए हमने, बटर वगैरह लगा के दिए इन्होंने, प्राइस 30 रुपये, मात्र 30 रुपये दो नान, अनलिमिटेड है, बाकी सब कुछ जितने चाहे प्याज डलवाओ, छोले डलवाओ, रायता डलवाओ, 30 रुपये में आप जितना चाहो उतना खाओ। आइए निखिल भाई, कानपुर में इतना रेट सस्ता कैसे है? कानपुर के लोग का दिल बहुत है। अच्छा, हाँ हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे लोग आदमी दो पैसे कम कमाएगा, लेकिन लाएगा आपको बढ़िया क्वालिटी। बढ़िया छोले तो इनके बढ़िया थे, नान भी इनका सही है, आप का नान भी खा सकते हैं। मैं तो छोले का फैन हो गया यार जी, इनके छोले बहुत बढ़िया है जी। तीस रुपये ना पूरा पेट भर सकता है इंसान, वो भी टेस्टी खाने के साथ। जल्दी हमको लगी बहुत बढ़िया, अमेजिंग। अब एक काम करते हैं, लास्ट आइटम में एक खीर है, वो भी ऑर्डर। अच्छा लगा जी, जी बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, दोनों ही चीज़ें बहुत बढ़िया, नान भी और भटूरे भी। एक खीर भी ट्राई करते हैं, उसका टेस्ट आपको बताते हैं। चलिए तो भाई, भटूरे और नान खाने के बाद हम लास्ट में कुछ मीठा ले रहे हैं, खीर दी है इन्होंने और ख़ुद ही सर्व करी है, 30 रुपीज़ की खीर है। और चलिए ट्राई करते हैं, आइए एक बार कटोरी ले लीजिए। ये क्या हो गया भाई, ये क्या कांड हो गया, पेट फंस गया ट्रक में? गलत चीज़, चलो पहले खीर इंजॉय करते उसके बाद देखते हैं। चम्मच तो ले लो, बड़े इलायची उलायची डाल रखे हैं, कैसी लगी भैया? बढ़िया यार, इलायची साथ में इनको चम्मच तक नहीं मिल पा रहा, चम्मच नहीं मिल पा रही है जी। चलो ऐसे पी लो फिर। इलायची, किशमिश और साथ में नारियल भी जिसके डाले हुए हैं, मेवे भी होती है लास्ट का बचा हुआ है, काजू भी होता है, किशमिश भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन इस टाइम हम लोग लेट हो गए इसलिए हम लोग को ये मिल गया, मिल गई तो ये बहुत बड़ी बात है, मैंने मिलती नहीं, ख़त्म हो जाती है। भैया टाइमिंग क्या है दुकान की? सुबह 8 बजे? 8:15 से 4, सातों दिन है जी। ठीक है तो भाई, ज़रूर मेरी तरफ से पूरा रहेगा कि आप यहाँ के छोले भटूरे ट्राई करें, मुझे बहुत बढ़िया लगे, फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये भी मुझे बहुत सही लगी वैसे, 30 रुपीज़ के हिसाब से पेट भर है बिल्कुल, बहुत कमाल का खाना है, भीड़ दिख ही रही है आपको, है ना? बाकी वीडियो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।